ఇవ్వ ముఖ్యమంత్రి
चलो हरिणकेश्वराय नमः जागेश्वराय नमः गणपति हवामहे पुराणी हवामहे निधीनामहे रसोमाहवजा भाग्य
पटेल जी मैंने आपको 50 रुपए दिए थे ना, भाई साहब ने दिए थे। सभी लोग कार्यालय के अंदर आ जाए। साथ ही हमारी जैसा कि प्रत्याशी भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाणी महाराज राजलक्ष्मी शाह विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। वाणी महाराज राजलक्ष्मी शाह विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। साथ ही हमारे बीच इस मसूरी विधानसभा में माननीय विधायक गणेश जोशी जी से आग्रह करूंगा स्वागत करें। साथ ही हमारे नवनियुक्त राज्य मंत्री श्री भूटिया जी से आग्रह करूंगा, कृपया आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का खुशबूज बैठकर स्वागत करेंगे। इस क्षेत्र के पार्षद जिस स्थान पर कार्यालय खोला गया भूपेन्द्र कटेल जी से आग्रह करूंगा, कृपया आप भी खुशबूज बैठकर वहां स्वागत करेंगे। हमारे सैनिक के अध्यक्ष पूर्व सैनिक के सौम्या सिंह जी से भी आग्रह करूंगा, कृपया आप भी खुशबूज बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बबीता सोता जी से भी आग्रह करूंगा, कृपया आप भी खुशबूज। सीएम साहब बहुत बहुत आशीर्वाद के बोलिए, क्योंकि आपने बहुत कीमती समय दिया है, मेरा इतना अधिकार बनता है आपसे कहा था मैं जोड़ के आऊंगा और पार्टिकल सीएम साहब की समाज में सीएम साहब कितना आशीर्वाद महाराज के हमारे हमारे विधायक जी, जिसके हमारे प्रभारी मेरा जी और वार्ड के हमारे सरासर भूपेन जी, हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे जितने भी होते हैं, हमारे शमशेर जी हैं, नवरीता सभी हो, शेर जी भी हैं, सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता और लोग हैं। आज आपने विधानसभा का ये चुनाव कार्यालय बोला है, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपका ये जो प्रयास है, आप जिस लगन से काम कर रहे हैं, पिछले बार से ज्यादा मोहम्मद से यहां सब लोग जीत कर जाए, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। और वातावरण पूरी तरह अनुकूल है, लेकिन अनुकूल वातावरण में ही वोटर को तो लाना ही पड़ेगा, उस तक तो पहुंचना ही पड़ेगा और किसी तरह की किसी ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस से हमेशा नुकसान होता है और भाजपा को विशेष करके नुकसान होता है, और इसलिए किसी तरह का अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। एक एक मतदाता तक हमको पहुंचेंगे ये संकल्प लेकर आज यहां से जाएंगे, विश्वास है, तो मैं बहुत बहुत सकता हूं। धन्यवाद। समय निकालना स्थान ले युवा साथियों से मेरा आग्रह।
साफ इंगित कर रहा है कि इस बार जो माहौल है वो 2014 से ज्यादा अनुकूल है और इसलिए मतदाता को तो ले जाना ही होगा। उत्साह में हम अगर ये मान लें कि भाई सब आ ही जाएंगे मतदान स्थल तक तो उससे मतदान में कमी आ सकती है, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सावधानी पूर्वक मतदान करें। कोई बात नहीं, इसमें नहीं है बल्ला, कोई बात नहीं, चलो बैठो गाड़ी के साथ। और हमने अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि पिछली बार से इस बार हमारा जीत का अंतर ज्यादा होगा। पिछली बार 12,500 की लीड यहां पर थी और इस बार हमने अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि 21,000 की लीड का टीका मसूरी विधानसभा देगी और जीत की शुरुआत पहाड़ों की रानी मसूरी से होगी। यहां से हमारे प्रत्याशी भारी मतों से विजय होंगी। मोदी जी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे आज, क्योंकि कल शाम ही हमने इस कार्यक्रम की घोषणा करी थी और इतने उत्साह के साथ जो कार्यकर्ता यहां पर आए इस बात का संकेत है कि आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। नॉन वैक्सीनेशन रैली पॉइंट पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम सबसे बातचीत करेंगे और इस बार हमारा सौभाग्य है कि हमारे देहरादून को पूरे कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से हमारे में से किसी न किसी कार्यकर्ता को नरेंद्र मोदी जी से बाहर करने का मौका मिलेगा और वो बात पूरे देश और दुनिया में सुनी जाएगी। इसलिए आप सब लोग इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने में वहां पढ़ाए। मैं और कोई विषय नहीं दे रहा हूं, केवल आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि 31 मार्च की सूचना व्यापक रूप से करें। सभी कार्यकर्ता हमारे 4 बजे लॉर्ड वैक्सीन कार्यालय पहुंचे। मैं अभी दिलेश जोशी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी उपस्थिति में विश्वास दिलाया है कि हमारी ये मसूरी विधानसभा इस बार 21,000 की जीत का सदन देगी। अगर आप वहां जाते हैं तो दोनों हम शांति बताएं, बताइए तैयार है 21,000 की मसूरी विधानसभा से बोलिए। तो मैं एक बार नारा लगाऊंगा, हम सब आज कहेंगे चौकीदार है दोनों हाथ बता के, हम सब चौकीदार, हम सब चौकीदार, हम सब चौकीदार, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। हमारे बीच में हमारी लोकसभा के प्रभारी कैलाश पंजीय ने आपसे भी निवेदन करना, आपके अपने नजर रखे कैलाश पंजीय सभी से निवेदन, जोरदार ताली का स्वागत करें सभी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबके क्षेत्र इस महानगर के अध्यक्ष आदरणीय विनय गोयल जी और हमारे युवा विधायक श्रीमान नरेंद्र जोशी जी, पूनम जी मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे घनश्याम नड्डा जी मेरी जो लोकसभा इसके आप संयोजक हैं, हमारे अध्यक्ष हमारे मंच अरविंद कुयार जी उपस्थित कार्यकर्ता बंधु मात्र सिंह। वास्तव में जो चुनाव होता है ये एक रणनीति होती है, इसमें कहा गया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, अभी मन प्रफुल्लित है। कल रात नए हुआ दूसरा उन्होंने कार्यक्रम फोन किया, रणनीति घर में बैठा हुआ था, इन्होंने कहा कि जितनी शिक्षा उनका बात करोगे बात नहीं, उन्होंने कहा मैं आ सकता हूँ 10 मिनट के लिए, 2,000 रुपये इन्होंने 2,000 फोन घटना है, मैंने कहा मुझे जाने का शायद नहीं, मैं शाम को 8 बजे जाऊंगा कार्यालय के बाहर। और इतनी अच्छी संख्या में लोग आए हैं, इससे साफ संकेत मिलता है कि हम सबके मन जीते हुए हैं और इसी विजय की हमारी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कल शाम को बहुत अच्छी बैठक घड़ी जी ने रखी थी सरदार के रोड के बगल में और वहां से भी कार्यकर्ता आने से दो लोग आए थे और उन्हें एक बात कही
लोग बात इसलिए कर रहे बात में कहीं भी मेरे अध्यक्षों को भी चेताया, उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है और जो हमारी प्रत्याशी महारानी उनके खिलाफ किसी भी कार्यकर्ता को कोई शब्द नहीं बोलना है। जितने काम मेरे विधानसभा में हुए हैं वो सब उनके माध्यम से हुए, ये बात नहीं, जो भी काम हुए उनका सहयोग दिया गया है और उनके माध्यम से जो बड़ी बड़ी योजनाएं लाया हूं, जो छोटी योजना लाया हूं, सड़क पानी बिजली, ये सब उनके सहयोग से हुए हैं। इसलिए आप कोई ये अर्थ नहीं कि उनके खिलाफ कोई कहीं कोई शब्द निकाले जाए कि उन्हें आए नहीं मिले नहीं, ये होता है एक पॉलिटिकल सोच जो वास्तव में दिल्ली अंतर्गण तक जाती है और अनेकों विषय आए। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, एक कार्यक्रम में हमको भी जाना है, मेरा इतना ही कहना है कि आप 11 अप्रैल तक अब कोई समझौता नहीं होगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस विधानसभा से हमको अन्य 13 विधानसभाओं की चिंता नहीं करनी है, हम जिस विधानसभा में है उस विधानसभा से। गणेश जोशी जी ने कहा, प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व को यह बताया है कि मैं 21,000 वोटों से महारानी को जिता के भेजूंगा। मैंने कल भी कहा जो बात मैंने कही है वो बात आप भी है, आपके भरोसे जब मैंने बात कही है उनके भरोसे पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व आगे भी भरोसा कर सके। इसलिए हम सब ने अपने अपने बंधु से महारानी को जो विजयी बनाना है, मेरा बूथ जीत के जानी चाहिए, बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये मान के चलना है। और गणेश जोशी 21,000 कहा है, बल्कि आपने इतना उत्साह दे कि हमारे विधायक ने 21 कहा तो 25,000 जिताएंगे, ऐसे संकल्प के साथ आप लोगों को इतिहास तरह बैठना नहीं है, काम करता है और मुझे भरोसा है। मैं हमेशा भरोसा भी करता हूँ मशीन डालने के कार्यकर्ताओं पर, इनके चेहरे हमेशा खिले रहते हैं, ये जो काम ठान लेते हैं उसको करते हैं और वास्तव में आपने ठान लिया है कि आप विधायक जी के सम्मान को रखेंगे, बात को रखेंगे, आंध बांध शांत को नीचे गिरने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि 11 अप्रैल तक सब लगेंगे और जो दस सबको मिला है इंतजार जिताने का उसको हम पार करेंगे। इन सबों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सरकारी जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं मसूरी विधानसभा को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराज लक्ष्मी साहब विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, महाराज लक्ष्मी साहब विजयी हो, विजयी हो। आज मसूरी विधानसभा के चुनाव कार्यालय के समारोह के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस मंडल के गांव के होनहार अध्यक्ष उसमें 5 मिनट से अगर सौ लगे हुए थे हमारे घर पर नोटा जी, हमारे महानगर के सम्मानित अध्यक्ष विनय गोयल जी, हमारे टीवी लोकसभा के संयोजक हमारे वरिष्ठ नेता श्री श्याम नौजान जी, हमारे टीवी लोकसभा के प्रभारी पूर्व राज्य मंत्री और जिनके माध्यम से राजनीतिक पार्टी की शुरुआत हुई, जिनके माध्यम से मुझे पहली बार विधानसभा का टिकट मिला, ऐसे मुझे बहुत ही आदरणीय कैलाश मोहन जी और दयालु के प्रसिद्ध समाजसेवी, किसी गरीब लड़की की शादी हो, कोई समझदारी कार्य हो, किसी गरीब का इलाज हो, ऐसे और जिनकी शब्द छाया में यहां पर बैठे हैं भाई गोचर जी, इस क्षेत्र के होनहार पार्षद उदय कठेर जी, जिनके नेतृत्व में मैं लगातार मुझे 3 बार चुनाव की जिसमें जीत मिली, हमारे कप्तान परिहार जी, डॉक्टर ओपी मुशेश जी आए जी, को जुड़ाओ जी आइए डॉक्टर जी, रंजीत भंडारी जी हमारे पीवीआर के बहुत ही संघर्षशील कर्मक अध्यक्ष, संजीव बिल जी, अब यहां की तो जाती है और क्या नाम लेते बताओ हम मेज से देखे मेज पाए हो बढ़िया समय हो बढ़िया जगह बताइए
पंडितों के साथ रहते कितने साल हो तो ये लेकर बीच तक सभी भारतीय जनता पार्टी के समाज कार्यकर्ता बंधु, कल शाम को जब हमने तय किया पहले 100 नोटिस पर आप भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को तीन तीन बार विधायक बना दिया और आपके भरोसे पर मैंने खुद को भरोसा दिलाया है कि 21,000 की भीड़ हम यहां से लेके घर पर नहीं कहा बताइए ठीक है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं समय बहुत कम है, आज की तारीख हुई 26 तारीख होगी, आधा दिन निकल गया 27, 28, 29, 30 12 दिन हमारे पास है मित्रों, 12 दिन सिर्फ ऐसा कर लीजिएगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं कि आपका चुनाव है, कल इस भावना से आप काम करेंगे कि फसल भारतीय जनता पार्टी ने वोट की, नरेंद्र मोदी जी ने वोट की है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वोट की है, आपके भाई गणेश जोशी ने वोट की है, फसल ज्यादा आई है, कोई काटने का अवसर है और कहीं थोड़ा सा आप सो गए तो रात में खेतों में चोर भी आ जाते हैं, सूर्य जो है कौए भी घुस जाते हैं, उन कौओं को भी रोक रहा है, चोरों को भी रोक रहा है, ऐसा करोगे नहीं करोगे? ज्योति कितने बजे उठेगी? 8 बजे इनका तो नाम ही ज्योति है, नहीं नहीं इसको बोल करो आके कहते मैं बता दूंगी वो। अरे हम सर चौकीदार है, हम सर चौकीदार, हम सर चौकीदार, हम सर हम सर चौकीदार, हम सर चौकीदार, चौकीदार कभी सोचा नहीं है। 8 बजे के बाद जागते रहो, जागते रहो, खुद भी जागता है, लोगों को भी जगाता है। अगर इस भावना से अपने काम कर लिए अपने मित्रों, और मैं जो भी वायदा उसमें करके आता हूं, आपके भरोस में करके आता हूं, मेरे जो दोस्तों में मोहन के नाटा पढ़ाई बने हो, किसी को सटे हो जा रहा हूं, बहुत बड़ा कंपनी देता हूं उसको, किसी को सटे क्या मंजूर खान शाखे में बोलू का साफ सफाई होगा इतना पहले था और भरोसा है तो बोलो मुझे बोलू झूठ बोले यार बोला विलेज में कह रहा था, ये मेरे को कार्यकर्ता है, जब पार्टी के सम्मान की बात हो, कमल के फूल के सम्मान की बात हो, ये न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न बर्फ देखते हैं कि मेरे यहां उधर बर्फ भी पड़ती है, उधर पूरा तो बर्फ नहीं पड़ने वाली, लेकिन ये साथ देते हैं उसको पूरा करके जाते हैं। तो मैं अपने प्रभारी जी को, पहचान जी को, अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाता हूं कि जब वोटरों की गिनती होगी, मसूरी विधान लोकसभा दिल्ली लोकसभा से जब जीत की शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और 21,000 का टीका महारानी जी को यहां से देंगे, मसूरी जी कल हमारी एक बैठक हुई थी, जो कार्यकर्ता उसमें नहीं थे जरा ध्यान करते, कल शाम को ठीक 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा, ये जो क्या वेडिंग पॉइंट है, लग्जरिया वेडिंग पॉइंट जो है वहां पर उसकी पार्किंग है, वहां पर कैनाल रोड के एंड में माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा है, हमने पूरी शक्ति के साथ पूरी ताकत के साथ जितने लोग यहां पर बैठे हैं, अगर एक आदमी अपने साथ 25-25 लोगों को लेकर जाएगा तो हम उस ब्रश को मार कर देंगे, मेरी आपसे विनती है कि पूरी ताकत के साथ उसके लिए हमें सफल बनाना है। और एक बार मैं कहूंगा कहो दिल से, तो आप दो बात कर देते बोलेंगे नरेंद्र मोदी कहो दिल से, जूझ राज का कुछ अंजाम किया है। हाँ, अभी कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, मैं सचिन से कहूंगा कि आगे की कार्रवाई
धन्यवाद विधायक जी। जैसा 21,000 की लीड से महारानी लक्ष्मी शाह जी को यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा। अभी कह रहे थे कि मैच से लेकर मीन तक, और मेरा कहना है कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक पूरा कब्जा हमारा ही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यों द्वारा इस पूरे देश के अंदर परचम लहरा रही है। अभी देखा कि जो जो पार्टियां ऐसी थी जो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी, आज वो अपने दलों को इकट्ठा कर रही है। कि मोदियों के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी नोमी का पप्पू मेल हो गया। तो ये स्थिति यहां नजर आने लगी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर उनकी गतिविधियों को देखकर आज इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का एक निर्णय लिया है। तो उन लोगों का मैं नामों का उद्बोधन यहां से करूंगा। हमें हमारे मंच पर आसीन हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी कुमार सरदार सिंह भंडारी जी, भरत सिंह रावत जी, हिमांशु भंडारी जी, विपिन भंडारी जी, परमवीर नेगी जी, पंकज भंडारी जी, मुकेश मेहरा जी, महिपाल सिंह पवार जी, गोविंद सिंह पवार जी, अमित सिंह पवार जी, मनीष सुनियाल जी, सुभाष कुमार जी, रविन्द्र पवार, मुन्ना सिंह जी, नवीन भंडूरी जी, आप सभी से मेरा आग्रह कृपया मंच पर आ जाए। और माननीय विधायक जी, महानगर अध्यक्ष विनय गोयल जी, हमारी स्त्री लोकसभा के प्रभारी केलाश पंत जी, घनश्याम लोकियाल जी, सभी हमारे पदाधिकारी उपस्थित के आप सदस्य ग्रहण करें, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन जिन लोगों ने, आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, एक कृपया सब अपना अपना मोबाइल फोन निकाल लीजिए, सब अपना अपना मोबाइल फोन निकालिए, सब लोग निकालिए अपना मोबाइल फोन। मैं एक नंबर बता रहा हूँ, वो नंबर मिलाना है आपको, उससे आपका मेंबरशिप नंबर आ जाएगा। सभी लोग मिलाएंगे, मिस कॉल दे दीजिए इस ऊपर 1800 266 1001। दोबारा बोल रहा हूँ नंबर 1800 266 1001। ये नंबर आप मिला लीजिए, मिस कॉल जाके नंबर कट जाएगा, आपके पास मेंबरशिप का नंबर आ जाएगा। आप और आप इसको फेसबुक पे डाल सकते हैं कि ये मेरा मेंबरशिप नंबर आ गया फेसबुक मैसेज से। तो आपका भारतीय जनता पार्टी देहरादून महान अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस कार्यालय में उद्घाटन जो हमारे मेन पदाधिकारी गण है, निरंतर अपना यहाँ बैठेंगे, हम लोग सलाम सलाम भी करेंगे, और सभी लोग अपना 11 तारीख तक यहाँ अपना और काम बना कर रखें, ताकि आगे हमने किस तरह कार्य करना है। और इसी के साथ आज इसके मतलब कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा और शुभ जलपान जो रखा गया है उसका ग्रहण करते जाए। शाम को हमने तय किया करीब 9 बजे जलापुर के हमारे प्रधानमंत्री जी मेरे आवास पर आए थे, और इसे छोड़ नोटिस पर भी भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर आए। और आज इस कार्यालय का शुरुआत हमारे प्रदेश के मुखिया रावत के नेतृत्व में यहां पर हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की नीति नीति से प्रेरित होकर आज हम लोग लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की घोषणा ग्रहण की है। इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। यहां से हमारी प्रत्याशी बाला लक्ष्मी शाह जी, जिनको हमने भरोसा दिलाया है कि इनके साथ सभी लोगों के लिए अपनी विधानसभा दे देंगे, पूरी की प्रदेश की विधान दे देंगे, देश का विकास होगा, देश अपनी फिर ऊंचाई हो जाएगा। मुकाबले में देखिए, चाहे प्रीतम आ जाए चाहे सोनम आ जाए, कोई पकड़ने वाला नहीं है। सारा देश नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है। आज मुकाबला राष्ट्रवाद बनाम आदर्श है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है, देश के सैनिकों के साथ खड़ी है, और निश्चित ही और ये तो पिछला विधानसभा चाहे विधानसभा का उपचुनाव रहा, चाहे लोकसभा का उपचुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे पूर्व चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा से अपना प्रथम लड़ा है। और मैंने अपने पुत्र को भरोसा दिलाया है 21,000 का टीका महारानी जी को हम यहां से देंगे, उनको यहां से भेजना देंगे।
गुड़िया जी गाय कल नहीं गया भाई जी, अंतर के विषय आपकी बात किस बात पर सरकार जी सरकार आपका क्या विचार है मैठानी जी, सालों वाले से कितने हजार वोट से हम आगे रहेंगे? मैं मेरे हिसाब से तो विधायक जी ने कम बोला 21,000, विधायक जी ने 3,000 कम कर दी, 25,000 होने थे, 25,000 कम से कम होना चाहिए और 25,000 से जिताए। और सादा वाले के तरफ से पूरा का पूरा शुक्रिया सादा वाला की आप अध्यक्ष भी हैं। 100% कोटिया भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता, आप सबसे निवेदन करती हूँ, हमारे टिहरी लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे जनता हैं और हमारे गोरखा समुदाय हैं, गढ़वाली समुदाय हैं, सभी से नम्र निवेदन है कि हमने मेन हमारे मोदी जी को देखकर, मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है, इस उद्देश्य से राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें और कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से हमारी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह जी को विजय बनाए। धन्यवाद। आज हम सांसद टिहरी विजय राजे लक्ष्मी जी के साथ हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी गोरखाली कम्युनिटी के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम गोरखा इंटरनेशनल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी गोरखाली कम्युनिटी और गोरखा जो हमारे पास यहाँ पर उनके लिए क्या संदेश है, उनके हज को क्या संदेश क्योंकि पूरा नेपाली बोलू सॉरी गोरखाली में बोलू क्योंकि तपाईहरु वहाँबाट आउनुभएको गोरखाली च्यानलबाट तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईहरुले हमेशा साथ दिनुभएको छ। म भी मेरो तर्फबाट जे गोरखाली हरूको लागि हुन सक्छ म जरुर तपाईहरुलाई मद्दत गरौँ, तपाईहरु पनि हाम्रो सहयोग गर्नुहोला, हाम्रो मोदीजीको सहयोग गर्नुहोला, हाम्रो प्राइम मिनिस्टर साहब, हाम्रो चिफ मिनिस्टर साहब, हाम्रो पुरा हाम्रो लोकको सहयोग गर्नुहोस्। हामी मबाट जे हुन सक्छ जो राम्रो कुरा हो जो सत्यको कुरा हो म सबैको लागि गर्छु। म यो भन्दिनँ कि यो आदमी हो यो मान्छे हो, म हाम्रो सबैको लागि क्योंकि तपाईँहरू मेरो माइती हो और यो मेरो ससुराल हो, मेरो दुईटा रिलेसन छ, म सबैको लागि मिलेर काम गर्छु। राम्रो काम गरे पनि राम्रै हुन्छ, नराम्रो काम गरे पनि म कसैलाई पनि छोड्दिनँ, जो सबैको साथ लिएर म लिन्छु। थ्याङ्क यू।